I genuinely don't plan anything like this. व्लॉग चालू करते हैं और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गोवा में रेडी होके नीचे जा रहे फॉर ब्रेकफास्ट और उसके बाद बाहर जाएंगे। अब मेरे अगर पुराने व्यूअर्स को पता रहेगा मैं पुरानी जगह पे गया हूँ शिरडी में, या इससे पहले भी जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे भी एक मैंने मिस्टेक की थी, मैं भूल गया था अपनी स्लीपर्स लेके जाना इन केस स्पॉट सेम। मैं आज भी स्लीपर्स नहीं लेके जा आया हूँ, तो मैं शूज़ पहनूंगा और यहाँ लोकल मार्केट से स्लीपर्स ले लूँगा। धूप है, मैंने अपने लिए चश्मा ले लिया एक। आई नो उसके बाद मुझे थोड़ा ब्लरिश दिख रहा है, बट इट्स गुड क्योंकि धूप बहुत आंखों में जा रही है। After a long walk, मैं आके एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। इट्स अ शिव साई फैमिली रेस्टोरेंट, वहाँ पे बैठ के कुछ वेज ऑर्डर किया हम लोग ने। लेट्स सी कैसा आता है टेस्ट, क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड खाना था। मैंने बोला कि कुछ खा लेते क्योंकि सुबह से जो ब्रेकफास्ट खाया था वहाँ पे मुझे मजा नहीं आता, तो मैंने थोड़ा ही खाया था। नाउ आई एम इन दिस रेस्टोरेंट। ये लेडीज सेशन में आ गया हूँ पूरा, यहाँ पे मेरी वाइफ को क्या पसंद आया तुमको? She's purchasing this because she is wearing a green dress. Let's showcase her. अरे जल्दी तड़म नहीं। So it will go like this. Very nice. यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन के जो भी आपको चाहिए वो सब मिल सकता है। I am purchasing this too. This is one of my favorite character. This is for my waiter. It was totally unplanned that हम लोग जा रहे हैं स्नो पार्क गोवा में, एंड यहाँ पे हम लोग ने आके 500 का 2 hours है। हम लोग ने ड्रेस पहन लिया उसकी। आई एम नॉट लुकिंग गुड आई नो, बट वी नीड टू वेयर दिस। दिस इज द एंट्री ऑफ दिस एंड वी आर ट्रेकिंग एंट्री लाइक वेलकम द पेंगुइन। लेट्स गो। बहुत बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत बाहर सॉन्ग चल रहे हैं, बाहर आप डांस कर सकते हो, बाहर लोग डांस कर रहे हैं। फिर से नहीं होगा भाई, मेरे शूज में मेरे पाव एकदम फ्रीज हो चुके हैं, मेरे पाव महसूस ही नहीं हो रहे हैं। ये हार्ट, ये नेक और यहाँ पे ये बैठने का सब आइस का बना हुआ है। बट रैंडम चीजें बहुत अच्छी हो रही है। वी नेवर प्लान दैट वी विल गो फॉर अ कायाकिंग, बट वी आर डूइंग इट नाउ। दिस व्यू एंड ये पानी ज्यादा गहरा नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने मिट्टी है, तो इट्स नॉट दैट डीप, बट ओके, इट्स लुकिंग गुड, सुपर्ब गुड। भागा भागा कि हम लोग आगे तो आ गए। सो फार एवरीथिंग इज हैपनिंग अनप्लैंड। स्नो पार्क अनप्लैंड था, ये भी अनप्लैंड था कि हम लोग नहीं जाने, मतलब हम लोग ने देखा था यूट्यूब पे कि ये एक्टिविटीज होती है, बट हम लोग ने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे चलानी है। एंड अगर हम लोग राइट साइड का स्वैप करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे एंड वाइस वर्सा। और अभी देखो ये ग्रुप चल रही है, अभी हम लोग ज्यादा लेफ्ट जा रहे थे, तो आई एम डूइंग दिस सो दैट वी कैन गो ऑन राइट एंड नाउ वी आर स्ट्रेट, बट आई एम सो मच टायर्ड, मुझे नहीं करना है। और ये
एक्चुअली ये सिंगल पर्सन के लिए अच्छा है, एकदम पाँव सीधा रख के कर सकता है इजीली। जहाँ पे मेरे जैसे पाँव के मेरे जैसे लोगों के पाँव नहीं आएंगे। आई एम 5'5" आई बिलीव। लोग चलते हैं, उसने मुझे बोला था 500 में आधा घंटा, बट हम लोग 12-15 मिनट में ही थक गए हैं एंड आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर। सो देखते हैं, मैं तो पानी में ऐसे पड़ जाएगा। यार इसमें तो हवा टाइट हो रही है। वैसे मैं सोचा नहीं था कि मैं इतना दूर आ जाऊंगा। वो हमारा ये तो बहुत ही नज़दीक है, मतलब वो हमारा ये था और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोग वैसे आगे तक जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग बस इसमें रखे हैं CIO। एंड वो साइड भी लोग जा रहे हैं। दिस इज एट एंड गोवा ओनली। एट दैट टाइम मैं शूट नहीं करता था एंड देन ही सजेस्ट मी दिस कैफे। इट्स अ गुड कैफे। दे सेड दैट कि यहाँ पे ना नियोपोनिस टाइप पिज्ज़ा बनता है। मैंने कभी बना नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने कभी खाया नहीं था एंड अभी मैंने यहाँ से कन्फर्म किया। द स्टाफ इज गुड एंड दे आर रेडी टू शोकेस मी हाउ दे मेक इट। सो आई विल गो एंड आई विल सी एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर। अब ना खुद ही वो फैल जाएगा, सो वी नीड टू टेक अ स्लाइस एंड डिप एंड ईट। गॉट यू? सो दिस इज द बेस्ट पिज्जा आई एवर हैव। इट्स लिटरली सो गुड, सो चीज़ी एंड माय गॉड, नो कमेंट्स। लेट मी एंजॉय दिस एंड आई विल मेक श्योर। ब्लूबेरी बिस्को I doubt. I don't eat this thing. I do go with the chocolate and normal pastries, but let's see. This is, what is this? I bhul gaya naam. Blueberry cheese. Blueberry biscuit. The taste is good. माउथ में जा रहा है, उसके जब जा रहा है ना नाइस, यू कैन ट्राई। मैं यहाँ से जा रहा था इज्जत से, तो मेरी सिया ने ये पढ़ा गो कार्ट रेसिंग। ऑल ऑफ द सडन मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर रुकाई एंड मैं अंदर जाके प्राइसिंग ये सब पूछ के एंड इट्स चालू। जनरली आई जनरली डोंट प्लान एनीथिंग लाइक दिस। ये सुबह से सब चीज़ें जो हो रही है अनप्लान हो रही है और आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद दैट। लेट्स सी, आई विल रिक्वेस्ट देम टू कीप माय हेलमेट विद मी। लेट्स सी। गार्डिंग वॉज गुड बट द हैंडल वॉज स्टिफ। तो आपने जो वीडियो देखी उसमें हैंडल बहुत स्टिफ था, तो मैं इससे टर्न नहीं हो रहा था। मैंने इससे पहले टिकुचिनीवाड़ी में गो कार्टिंग की है, द हैंडल वॉज सुपर स्मूथ, मैं उसको ईजिली टर्न कर पा रहा था। इसमें तो आई वॉज लाइक अरे 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 हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, बट यू डी इट वॉज गुड, इट वॉज फन। थैंक यू। इट्स जस्ट 400, सो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट। इट्स ओपन टिल फ्रॉम 4 PM इन इवनिंग टिल 10 PM। दैट्स गुड। लेट्स सी। दिस इज हाइप नाउ, ठीक है।
बहुत हो गया, बहुत दिमाग का हट रहा है मेरे। मैं इज्जत से एक पूरा दिन घूम फिर के आया अपने रूम में, रिसेप्शन का फोन करके बोला कॉफी लेकर आ। ठीक है, अच्छा चीज है, देखो क्या कॉफी लेके आया वो। ये क्या है, सारा दिन दारू ही पिया है? ओल्ड मॉन्क कॉफी कौन पिलाता है कॉफी के नाम पे? मैं जा रहा हूँ गोवा छोड़ के भाई।